वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक तरफ कैप्टन का इस्तीफा और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी की शपथ। कांग्रेस का ये दंगल यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाकर भविष्य के लिए भले ही नया दांव चला हो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के सामने भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश के अध्यक्ष और चन्नी के सीएम बनने पर खुशी से झूम उठे हैं। सिद्धू भले ही खुश हों, कांग्रेस ने भले ही चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम की कुर्सी सौंप दी, लेकिन ये सफर उनके लिए आसान नहीं है। 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चन्नी के सामने खुद को साबित करने से लेकर 2022 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी जैसी कई चुनौतियां हैं, और इन्हीं चुनौतियों में नवजोत सिंह सिद्धू का भी इम्तिहान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त सीएम की कुर्सी से हटे हैं जब चुनाव में चंद महीने बाकी है। अमरिंदर की जगह दलित नेता चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अब उनके कंधों पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराना एक बड़ी चुनौती होगी। चन्नी को महज 4 महीने में अपनी काबिलियत को साबित करना होगा और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना होगा। जाहिर है कैप्टन के सीएम पद से हटने के बाद उनका खेमा पार्टी से नाराज होगा। पंजाब में कांग्रेस कई गुटों और खेमों में बटी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो जैसे नेताओं के अपने अपने खेमे हैं, जो एक दूसरे को पावर में नहीं देखना चाहते। अमरिंदर सिंह की कुर्सी भी इसी गुटबाजी के चलते गई है। पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस पंजाब में बाहरी चुनौतियों से ज्यादा पार्टी के अंदर की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता की कमान संभालने के साथ ही इन्हीं चुनौतियों का सामना भी करना होगा। अमरिंदर सिंह से लेकर सिद्धू और बाजवा तक के बीच संतुलन कैसे चन्नी बनाकर रखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब की सियासत अभी तक जाट सिख के इर्द गिर्द सिमटती रही है और उन्हीं का मुख्यमंत्री बनता रहा है। पंजाब में पहली बार कोई दलित सिख मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस भले ही इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन ये जाट सिख नेताओं के गले आसानी से नहीं उतरेगा। इस संतुलन को बनाना भी उनकी एक चुनौती होगी। पंजाब की सियासत में इस वक्त किसान सबसे बड़ा फैक्टर है। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब से ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी के सामने किसानों के विश्वास को बनाए रखना और उन्हें अपने पक्ष में करना एक बड़ी चुनौती है। अकाली दल से लेकर आम आदमी तक किसानों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी किसानों को साध कर रखना होगा। ये जिम्मेदारी अब चरणजीत सिंह चन्नी के कंधों पर आ गई है। पंजाब में केजरीवाल ने इस बार सारी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी तमाम बड़े वादे कर रही है, जिसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा है। पंजाब में बिजली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू बिजली के मुद्दे पर अमरिंदर सिंह को घेरते रहे हैं। ऐसे में नए सीएम बनकर आए चरणजीत सिंह चन्नी को बिजली मुद्दे को हर हाल में हल करने का दबाव होगा। ये देखना होगा कि बिजली समस्या से कैसे निजात दिलाते हैं और आम आदमी के फ्री बिजली देने वाले वादे की कार्ड भी कैसे तलाशते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब तक कैप्टन के साथ उनकी तकरार दिखाई दे रही थी। वो सार्वजनिक तौर पर सरकार की निंदा करते थे, लेकिन अब उनकी मर्जी और सहमति से सीएम चुना गया है। अब उनके सामने खुद को साबित करने की चुनौती होगी। वो अब तक कैप्टन को जिम्मेदार बताकर बचते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी सहमति से सीएम चुना गया है। अब पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।